हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप दैट कि आपका जो स्टडी चल रही है वो बहुत बेटर वे में चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने जो फर्स्ट पार्ट हम इसका कर चुके हैं, द टाइनी टीचर, और बच्चों के बहुत जो है वो अच्छे कमेंट हम आए हैं कि बहुत अच्छा लगा उनको रेड करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा कि जो आपको मैंने असाइनमेंट दिया था कि आपने जो हमारी एड्स होती हैं, जो चेंजें होती हैं, उनकी एक्टिविटी जरूर आपने देखी होगी। इस लेसन को हमने जो फर्स्ट पार्ट किया है, इस फर्स्ट पार्ट को रीड आउट करने के बाद आपने उनको ऑब्जर्व किया होगा कि किस तरह से वो रहती है, वो कैसे अपना काम करती है। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने नोट किया होगा। आगे भी हम अभी इसके बारे में बहुत सी चीजें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। द क्वीन एंट हैज ए पेयर ऑफ विंग्स। इसमें हमने यहां तक यही बात पढ़ी है कि किस तरह से ये जो है इनका अलग अलग एक अपने, जब ये एंथिल्स में अपने बॉम्बे में जहां पर ये रहती हैं, तो इनके अलग अलग कमरे बांटे हुए हैं और इनका जो होम टास्क है अलग अलग, इनके जैसे सोल्जर एंट्स हैं वो अलग है और इनके वर्कर एंट्स जो है वो अलग है, और अलग अलग रूम इनके जो है वो डिवाइड किए हुए हैं। हमने ये चीजें इसमें पढ़ी। अब हम बात करते हैं, द क्वीन एंट हैज ए पेयर ऑफ विंग्स विच सी कास्ट ऑफ बिफोर द सी बिगिंस टू ले। इनकी जो रानी जो चींटी होती है वो कहता है उसकी एक जोड़ी पंख होते हैं, वो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाई कि किस तरह उसके पंख होते हैं, विच सी कास्ट ऑफ, जो वो अपने उतार देती है पंखों को बिफोर सी बिगिंस टू ले एग्स, अपने अंडे देने से पहले वो क्या काम करती है, अपने पंखों को उतार देती है। एग्स हैच एंड बिकम गर्ल्स। अब एग जो है उनको ले जाकर के रखा जाता है, बाद में ये गर्ल्स बन जाते हैं, लार्वा बन जाते हैं, गर्ल्स चेंज इन टू कोकून्स और वो कोकून में बदल जाते हैं, एंड कोकून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट एग्स, और फिर कोकून से निकल करके वो कंप्लीट चींटी जो है वो उससे बाहर आ जाती है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंथिल इज ए बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। और कहते हैं कि जो एक आम साधारण चींटी की जो लाइफ है ना, जो अपने बॉम्बे के अंदर रहती है, वो एक किताब की तरह है जो हमने बिल्कुल भी खोल करके नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि हमें अंदर का तो हमें पता ही नहीं है कि वो कैसा है इसका, जिसको हम बिल बोल देते हैं या होल बोलते हैं हिंदी में, जिसको बॉम्बे कहा गया है, इंग्लिश में इसको एंथिल्स कहा गया है, कहता वो तो हमें पता ही नहीं है कि एंथिल्स की कैसी होगी, अंदर से वो कैसी होगी। जैसे आपको हमने ये बात की थी बच्चों, इसके अंदर का हमने दिखाया था, ये पिक्चर दिखाई थी कि ये अंदर जो चींटियां हैं वो अपने अलग अलग रूम बना करके रहती है। जैसे ये इसका स्टोर हाउस हो गया, यहाँ पर इसके एग्स हो गए, यहाँ पर अलग और चींटियां जो रह रही है, तो इस तरह से ये तो कहता है कि हमें अंदर का तो हमें पता ही नहीं है, हम जानते नहीं है अंदर के बारे में कि अंदर से वो कैसे है, उसका एंथिल्स जो है वो कैसे बटा हुआ वो हमें अभी पता नहीं है। तो वो हम बात कर रहे हैं इसकी। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जितनी भी उसकी एक कॉलोनी है, यानी एक जो पूरा जहां पर चींटियां इकट्ठी रहती है, उसकी एक, उनकी सबकी एक क्वीन मदर होती है। इसके जो उसकी सारी पॉपुलेशन, सारी जो जितनी भी चींटियां है वो सबकी उस कॉलोनी की जो है वो माँ होती है, एक चींटी उनमें से। इट लाइव्स फॉर अबाउट 15 ईयर। और उस चींटी की उम्र कितनी होती है, 15 ईयर्स की। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपने लेसन को रीड आउट किया तो बताइए कि एंट की लाइफ जो कितनी होती है, तो हम कहेंगे 15 ईयर्स, 15 साल की जो है उनकी उम्र होती है एक चींटी की। इट हैज ए पेयर ऑफ विंग्स, इसके एक जोड़ी पंख होते हैं, बट लेकिन होता क्या है, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। जब ये कहता है अपनी शादी करके जब ऊपर की ओर उड़ती है, तो उसके बाद में जब आती है तो ये अपने पंख गिरा देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे।
और यह जो ऊपर जब जाती है तो जब बहुत ही गर्मी के दिन होती है तब ये अपने फ्लाइट में अपनी वेडिंग जो है अपनी शादी जो है वो करती है. द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट ए फीमेल एंट. जो क्वीन एंट होती है वो अपने नेस्ट को उस एंथिल्स को वहां से छोड़ कर करके वो ऊपर जाती है और वहां पर जो मेल एंट होती है उससे मिलती है. और ड्रोन जिसको ड्रोन भी कहा जाता है हाई अप इन द एयर हवा में ऊंचे बहुत जाती है वो. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ वापिस धरती पर आकर के इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग. रीड ऑफ होता है छुटकारा पाने का. क्या होता है इट गेट्स रीड ऑफ विंग्स यह अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है. एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स और फिर कुछ नहीं करती यह अंडे देती है. आगे है एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. अब ये देखिए आप यहां पर देख सकते हैं ये देखिए ये एग जो है ये देखिए एग जो है उनको ले जाया जाता है उनके जो अलग से कमरे बने हैं यहां पर ये देखिए चिंटियां ले जा रही है ना क्योंकि इनमें वर्कर एंट्स भी जो है वो दिखाई गई है. तो कहते हैं कि वो इनको हैच करके ले जाती है और फिर क्या होता है गर्ल्स कम आउट और उससे लार्वा जो है वो बाहर आते हैं. सोल्जर्स गार्ड देम इनकी जो सोल्जर जो सैनिक चिंटी होती है वो इनकी गार्ड करती है. जी यू ए आर डी गार्ड का मतलब होता है रक्षा करना सुरक्षा करना उनकी. वो इनकी देखरेख करती है इनकी सुरक्षा करती है. और वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम जो वर्कर्स होती है जो जो चींटियां जो काम करने का काम करती है वो उनको खाना खिलाती है उनको भोजन देती है और उनको साफ रखती है. एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग और डेली का डेली उनको जो ये एग्स हैं जो लार्वा हैं इनको एयरिंग करने के लिए हवा दिलाने के लिए बाहर लेकर के जाती हैं. एक्सरसाइज इनको एक्सरसाइज भी कराती हैं एंड सनशाइन और सुबह सुबह उनको धूप भी लगाती हैं. देख लो आपने अगर ऑब्जर्व किया है तो ये काम भी चींटियां जो करती हैं. टू और थ्री वीक्स दो और तीन सप्ताह होने के बाद क्या होता है देखिए लेटर ग्रब्स बिकम कोकून्स ये ग्रब्स जो है वो कोकून बन जाते हैं एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर थ्री वीक्स. उसके बाद जब ये कोकून बन जाते हैं तो ये बिना एक्टिविटी और बिना भोजन के इनको जो है वहां पर रखा जाता है. देन द कोकून्स ब्रेक फिर कोकून्स जो है वो टूटते हैं एंड परफेक्ट एग्स अपीयर और पूरी जो है एग उसके अंदर अपीयर होती है. नाउ इट इज टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. अब उसके बाद जो है कहता है टीचिंग का ये जो छोटी चींटी जो आई है उसके लिए टीचिंग का और ट्रेनिंग का काम शुरू हो जाता है. न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंट्स जो छोटी चींटियां होती है वो अपनी उनकी ड्यूटी क्या है वो सीखती है जो और जो बड़ी चींटियां होती है उनसे. एज वर्कर्स सोल्जर्स बिल्डर्स क्लीनर्स एटसेट्रा कि हर एक काम कि वर्कर का क्या काम है सोल्जर्स का क्या काम है बिल्डर्स यानी जो बनाने वाले किसी एंट के जो होल को यानी एंथिल्स को बनाने वाले जो काम करने वाले उनका क्लीनर्स जो साफ सफाई वाले चींटियां उनका आदि ये सारे के सारे काम जो है एंट्स जो है जो नई चींटियां उनसे सीखती है. आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क और फिर क्या काम करती है कि कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग लेने के बाद ये स्मॉल एंट्स जो है वो तैयार हो जाती है बाहर के संसार में काम करने के लिए यानी ट्रेनिंग लेकर के ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है. एन एंथिल इज ए होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर.
अब आपको ये जानकर के बात बड़ी हैरानी होगी कि जो एंथिल्स हैं, इनकी जो बॉम्बी है, वो केवल इन्हीं का घर नहीं है। जो हम देखते हैं ना कि यहाँ पर चींटियां जा रही है, केवल वहां पर चींटियां जी नींद नहीं रहती, और भी इनके साथ कई जीव रहते हैं। वो कौन कौन से है हम देखते हैं, और कौन कौन से है इनके साथ, देखिए अदर क्रिएचर जैसे बीटल्स, भृंग जिनको हम बोलते हैं, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई, और क्या काम करती है, कहती है कि जैसे हमारी हरे रंग की ये जो मक्खी होती है वो ब्रिंग आदि जो है, कहते हैं कि ये इनको ब्रीड्स देते हैं, ये इनको पालन पोषण करते हैं। व्हाई डू एंड वांट टू दीज एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट, कहता है कि ये दूसरे एलियन का मतलब क्या है, दूसरे प्राणी है, चींटियों से तो ये दूसरे ही है ना, तो कहता है तो फिर इन क्रिएचर्स को, इन प्राणियों को वो अपने नेस्ट में, अपने एंथिल्स में, अपने बॉम्बे में क्यों रहने देती है। फॉर सेवरल रीजन, कई कारण है, क्या है, सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट्स सेंसेस, इनमें से कई जीव होते हैं ना उसके उनकी क्या है कि स्मेल उनको बड़ी अच्छी लगती है, टू द एंट सेंसेस, एंट की जो सेंस है, जो सूंघने की शक्ति है, उसके लिए उसके स्मेल का काम करते हैं कई जीव, वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। और क्या है, अदर गिव स्वीट जूसेस, कई जो है उसके जूस देते हैं, मीठा जूस देते हैं, एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग, और कई जो है कहते जिस तरह हमारे पालतू होते हैं, हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए, आदमियों के लिए, मानव के लिए, जैसे कुत्ते और बिल्ली होती है, डॉग और कैट होती है ना, वैसे ही ये चींटी जो है उनको पालती है, अपने पालतू पशु की तरह पालती है उनको। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट कॉ, जो ग्रीन रंग की, हरे रंग की जो मक्खी होती है ना उनकी, वो क्या होती है, हमारे जैसे गाय होती है ना वैसे होती है, वो क्या काम करती है, द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, अब चींटियां उनको किस काम में ट्रेन करती है कि उनको शहद ला के देती है, हनी ड्यू शहद ला के देती है, लाइक मिल्क, जैसे हमारा दूध होता है, हम गाय से हम दूध लेते हैं, इसी तरह ये ग्रीन फ्लाई से क्या काम करती है, उनसे शहद मंगाती है, विद अ टच ऑफ देयर एंटीना, अपने एंटीना को टच करके उनसे वो शहद लेती है, दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वो जिस तरह से हम गाय का मिल्क करते हैं, दूध निकालते हैं, इसी तरह वो भी इनका दूध निकालते हैं, यानी उनसे शहद लेती है। क्या आदमी ने, जितने चींटियां ने समझा है, जितनी चींटियों की समझ है, क्या आदमियों ने इस बात को समझी है, क्या आदमियों ने इसको समझा है, perhaps they have, but they haven't put their learning to good use, कहता है कि perhaps, perhaps होता शायद, बिल्कुल, कहता कि perhaps शायद they have, कि उन्होंने इतना सीख तो लिया है, जितने चींटियों ने सीखा है उतना आदमी ने सीखा तो है, बट लेकिन दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, लेकिन अपनी समझ को उन्होंने अच्छा प्रयोग नहीं किया है, आदमी ने सीखा बहुत है लेकिन उसका अच्छा ही में प्रयोग उन्होंने कभी नहीं किया है। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, कहता है कि दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स, आदमी जो है अभी तो कुछ सीख रहा है फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, इस छोटे से टीचर से बहुत सी चीजें आदमी को सीख रहा है, हार्डवर्क, हार्डवर्क जो करती है बहुत ही ज्यादा करती है, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति पूरी भाव होता है उनका, पूरी भावना से करती है, एंड डिसिप्लिन, पूरा अनुशासन भी होता है उनमें, क्लीनलीनेस, साफ सफाई बहुत रखती है वो, केयर फॉर द यंग वंस, छोटों की बहुत ही केयर करती हैं, एंड अबव ऑल और सबसे ज्यादा ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और जहां पर वो, जिस लैंड पर वो रहती है उसके प्रति फर्म लॉयल्टी होती है, पूरी की पूरी उनके प्रति जो है वो लॉयल रहती है, वफादार
रहती हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जिस धरती पर वो रह रही हैं, जहां पर वो रह रही है, उसका पूरा का पूरा वो ध्यान रखती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने ये सीखा कि एंट्स के लाइफ के बारे में सीखा, किस तरह से ये हमें टाइनी टीचर इसको कहा गया है कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये छोटा जीव है लेकिन सिखाता हमें बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए होम टास्क है। इसमें 5 जो आपके बुक के अंदर आप देखेंगे तो 5 जो क्वेश्चन है वो आपको एज ए असाइनमेंट दिए जाते हैं। हमने इस लेसन में ये सीखा भी था कि किस तरह से जो वो कंप्लीट एंट जो है वो बन जाती है, कितने दिन के बाद बनती है, ये भी हमने इसमें पढ़ा। और किस तरह से जो वर्कर जो एंट्स हैं वो इसको गर्भ को ले जाती है, शुरुआत में हमने ये भी पढ़ा था। किस तरह से उनको ट्रेन करती है ये भी हमने बात की। किस तरह से ये क्रिएचर जो है ये एंथिल्स में अपने घर में अपने बॉम्बे में रहते हैं वो भी हमने बात की। और क्या हम इन जो ये हमारा जो टाइनी टीचर है इससे हमें क्या सीख सकते हैं, गिव रीजन फॉर चूजिंग दिस आइटम्स, क्या हमें सीखने को मिलता है वो भी हमने इस लेसन में पढ़ा। तो आप अपने वे में अपने तरीके में आप इनके आंसर भी दीजिएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए, हमें बहुत कुछ हमें एंट्स जो है वो सिखाती हैं। तो ये है हमारा लेसन द टाइनी टीचर। तो इसी के साथ हम बच्चों हमारा टाइनी टीचर हमारा लेसन फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ।